रोजगार देने वाले बनेंगे बिहार के युवा उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन। पूरे बिहार में 16,000 उद्यमियों के तहत भागलपुर में 513 उद्यमियों को दिया गया उद्यमी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र। भागलपुर उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन का बिहार का यात्रा भ्रमण कार्यक्रम के तहत उन्होंने भागलपुर में प्रस्तावित सिपेट सेंटर का अलीगंज में जिला उद्योग केंद्र भागलपुर के महाप्रबंधक संजय कुमार वर्मा के साथ स्थल निरीक्षण किया। उसके बाद रेशम भवन 0 माइल में सिपेट के प्रभारी निदेशक के साथ भागलपुर जिला में सिपेट द्वारा संचालित मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी निरीक्षण किया। फिर उद्यमी संवाद कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लाभार्थियों के साथ उन्होंने वार्ता की और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत भावी उद्यमियों के बीच स्वीकृति पत्र का भी वितरण किया। उसके साथ लाभार्थियों के साथ भी कई बिंदुओं पर चर्चा की। कार्यक्रम की शुरुआत विधिवत दीप प्रज्वलन से की गई। उसके बाद स्वागत गान की प्रस्तुति दी गई। वहीं अजय कुमार रविदास, अजय कुमार आलोक को सफल उद्यमी के लिए शील्ड व प्रमाण दिया गया एवं कुल 513 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया। सोचा है कि कैसे लोगों को, युवाओं को, बच्चे बच्चियों को काम मिल सके, आप 10-10 लाख देने काम कैसे, मैं तहे दिल से उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो उद्यमी को पैसे मिल रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करूँगा उस पैसे पे आप बिल्कुल उसको लगिए और अपना नाम रोशन कीजिए, पूरे परिवार का कीजिए, भागलपुर का कीजिए। जैसा इन्होंने बताया कि भागलपुर में ट्रेनिंग का ये पहला दिन है, के बाद 513 लोगों को हम लोग भागलपुर में ट्रेनिंग दे चुके हैं। 16,000 उद्यमी को ये योजना दी जा रही है। पूरे बिहार के अंदर 8,000 देना था, डबल दिया, 16 अरब रुपया दिया है, 1600 करोड़। और भागलपुर के लिए खुशी की बात है राजीव कि यहाँ ट्रेनिंग जल्दी हुई है और सीपेट से भी ट्रेनिंग हो रही है, बैंक से भी हो रही है। उद्यमी में कितना उत्साह है आप लोगों ने देखा है कि भागलपुर में 513 लोगों को 10-10 लाख रुपए ट्रेनिंग हो गई, सर्टिफिकेट मिल गया, उनको अब उनके अकाउंट में ये पैसा डाल दिया जाएगा। दो किस्त में ये पैसा मिलेगा, 1 रुपया भी कैंडिडेट को कहीं परेशानी नहीं आएगी। ये बिहार सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो कैसे जिम्मेवारी हमें मिली है उसको पूरी तरह ईमानदारी से निभाने की कोशिश हम लोगों ने की। कार्यक्रम के दौरान बिजली की समस्या काफ़ी देखी, हाँ बिजली कल भी बिजली चली गई थी, हम जब सांसद थे बिजली को ध्यान रखते थे, जब चली जाती थी तो लोग पुतला जला देते, आ जाती थी तो चुपचाप रहते। अब कल से हम आए हैं, जिया भाई की यहाँ उनकी अम्मी के फ्यूनरल में, कल भी हमने बिजली मंत्री जी से बात की थी, आज भी बिजली आई कम है गई ज़्यादा है, इसके बारे में पूरी जांच करवाएंगे क्या वजह है। जब सरकारी कार्यक्रम हो रहा है उसमें ये बिजली की हालत है, बिजली की हालत ठीक हो ये पता करेंगे, तो फॉल्ट होगा, रिपेयर का वर्क चल रहा है, जल्दी 24 घंटे बिजली भागलपुर को मिलेगी। पिछले कई दिनों से यह समस्या देखी जा रही है, बता दिया मिलेगी।